बात इनको की फ्लाइट संख्या 6651 की भी कर लेते हैं, जिसमें बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद मुंबई से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट को अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। जांच की जा रही है फ्लाइट की, और जैसे ही ये जानकारी सामने आती है तुरंत रनवे पर ही आपातकालीन विभाग की गाड़ियां भेज दी जाती है और अब विमान की जांच की जा रही है। इसी के साथ जो यात्री है उनके लिए अलग फ्लाइट की व्यवस्था की गई। सुबह 7:30 बजे दूसरी फ्लाइट निकली, रात 12:30 बजे की ये घटना है जब मुंबई से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट में बम की खबर मिली थी। किस तरीके से यात्रियों में दहशत है आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अहमदाबाद में आपातकालीन स्थिति में तुरंत लैंडिंग करवाई जाती है, उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। सामान को बार बार स्कैन किया गया ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से ये घटना हुई है, इसके पहले भी लगातार बम होने की सूचना अलग अलग जो फ्लाइट्स हैं उनमें दी जाती रही है। लेकिन एक बार फिर से ही जैसे इंडिगो की इस फ्लाइट संख्या 6651 के बारे में जानकारी मिलती है तुरंत प्रशासन अलर्ट हो जाता है। अब ये तस्वीरें देखिए, अहमदाबाद रनवे की ये तस्वीरें हैं। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर करवा दी जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है। अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए, जो यात्री है उनमें दहशत का माहौल है। हालांकि उनसे उस वक्त ये कहा गया कि टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती है कि बम की सूचना थी, कहीं ना कहीं वो डरे हुए नजर आते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आज सुबह की तस्वीरें हैं, जहां अलर्ट पर है, सभी रोबोट तैनात किए गए हैं और इसी के साथ किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो इससे बचने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है और स्कैनिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रगति शर्मा इसी फ्लाइट में मौजूद थी, उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। बीएसएफ के कई ऑफिसर्स अब फील्ड पे आ चुके हैं, बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर खबर सामने आई। इसके अलावा हम जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है, क्या बात है अभी तक ये नहीं बताया जा रही है क्योंकि यात्रियों को ये नहीं बताया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान है वो दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ, और अब यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि आखिर परेशानी क्या थी, क्योंकि कैप्टन ने अपने सूझबूझ से काफी होशियारी के साथ लैंड कराया, और जब लैंड कराया गया तो देखा गया था काफी नीचे लैंडिंग कराई गई थी। फिलहाल लोग को डीबोर्ट किया जा रहा है। तो प्रगति शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, और पिछले 24 घंटों में लगातार ऐसे ही खबरें सामने आ रही। विमानों को धमकी पर भारत सरकार अलर्ट, उड्डयन मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की है। उड्डयन मंत्री ने सीआईएसएफ सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंथन किया, मीटिंग किया, और इसमें तमाम बड़े अधिकारी सीआईएसएफ के सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। पिछले 24 घंटों में 10 से ज्यादा विमानों को धमकी दी गई है। लंदन समेत कई दूसरे देशों से जो विमान है उनको भी धमकी दी गई है, और ये ताजा मामला आपको बता रहे थे अहमदाबाद का, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है वो आपको तस्वीरें सब दिखा रहे हैं, और ग्राउंड पर रिपब्लिक भारत की टीम भी मौजूद थी, आपने रिपोर्ट भी देख ली है। उड्डयन मंत्रालय ने अब हाई लेवल मीटिंग की है, उड्डयन मंत्री सीआईएसएफ और सुरक्षा अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए। बिल्कुल, और इसी खबर पर हम सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। राजधानी दिल्ली से अखिलेश और जयपुर से अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले अखिलेश जी आपके पास आते हुए, लगातार अब बैठकों का दौर चल रहा है। अगर उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो एक लंबी बैठक चली है और यहां पर ये देखा जा रहा है कि कैसे अगला कदम उठाया जाए ताकि सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। रेल टू विमान की अगर बात करें तो लगातार साजिशों के खेल सामने आ रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले 48 घंटों में 10 ऐसी फ्लाइट्स को बम थ्रेट की जो खबर मिली है वो सोशल मीडिया के जरिए मिली है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। पिछले महीने की अगर बात किया जाए तो कई मामले ऐसे आए थे जब लोगों की फ्लाइट छूट रही थी और उन्होंने बम की सूचना दी और वो फ्लाइट पकड़ने की उन्होंने कोशिश की, तो ये लंबे समय से होता रहा है। और इसको लेकर DGCA हो या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो, तमाम उसने बैठकें कर रखी हैं, लेकिन अब सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें हर स्तर पर इसको कड़ाई से निपटना होगा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सोशल मीडिया के अभी जो 48 घंटे में जो पिछले 48 घंटों में थ्रेट मिली है वो सब सोशल मीडिया के जरिए मिली है। सोशल मीडिया में जो अकाउंट्स हैं उनको अगर कोशिश की जाती है, बंद किया जाता है, तो वो तमाम पैरोडी अकाउंट खुल जाते हैं, तमाम फेक अकाउंट्स खुल जाते हैं, जिससे कि जो इस तरह की धमकी देने वाले लोग हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनका मकसद है लोगों में क्योस फैलाना, लोगों में
तमाम सिस्टम को डिस्टर्ब करना, लोगों में अफवाह फैलाना आती है, तो प्रशासन भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता है क्योंकि यात्रियों की जान की परवाह की जाती है। हमारे साथ अमरदीप जयपुर से जुड़े हुए हैं। अमरदीप, जयपुर में भी पिछले दिनों इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी फ्लाइट की, क्या उसी तरीके से क्या सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर बढ़ाई गई है, क्योंकि जैसे ये बम थ्रेट आते हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी तब्दीली की जाती है। अमरदीप का रुख करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में जैसे ही इस बात की जानकारी मिली थी कि 6651 में इनको की फ्लाइट में बम है, उसके बाद तुरंत आपातकालीन लैंडिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही करवा दी जाती है। ये फ्लाइट मुंबई से दिल्ली के लिए आ रही थी, लेकिन जैसे ही फॉल्ट की खबर बता करके पहले ही रनवे पर विमान उतारा जाता है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली जाती है इमरजेंसी लैंडिंग के साथ ही। यहाँ पर जो बॉम्ब थ्रेट की खबर थी, क्योंकि इसके अलावा टेक्निकल फॉल्ट की भी खबर थी, और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं की जाती है, और इसी के साथ यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा करके जांच प्रक्रिया की जाती है, रोबोट को तैनात किया जाता है, और जो सामान यात्रियों के साथ था उनकी बार बार स्कैनिंग की जाती है, अग्निशमन विभाग यहां पर पहुंचता है, एम्बुलेंस यहां पर पहुंचती है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर देखने को मिलते हैं, बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, और अभी भी जाँच की जा रही है। तो चलिए अब आपको तारीख दर तारीख सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि विमान को बम की धमकी कब कब मिली। 15 अक्टूबर 2024 की तारीख आपको याद होगी, जब एयर इंडिया की फ्लाइट जयपुर से बेंगलुरु आ रही थी तब भी ऐसे ही धमकी मिलती है। इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 जब स्पाइसजेट की फ्लाइट दरभंगा से मुंबई आ रही थी, उस बात भी ऐसा ही एक खबर आती है जो एकदम हलचल मच जाती है, हड़कंप मच जाता है। 15 अक्टूबर 2024 की बात करें तो अकासा फ्लाइट आ रही थी सिलीगुड़ी से बेंगलुरु, जिसके बाद क्रॉस क्रिएट किया गया इस तरह की खबर को फैलाकर। 15 अक्टूबर 2024 की बात करें तो एयर इंडिया फ्लाइट दिल्ली से शिकागो आ रही थी और इस वक्त भी विमान में बम की धमकी मिली थी। वहीं इंडिगो फ्लाइट की बात करें जो सऊदी अरब से लखनऊ आ रही थी, तब भी ऐसी ही एक खबर आई थी जिसके बाद हड़कंप मच गया था, डर और दहशत का माहौल बन गया। एयर इंडिया फ्लाइट की बात करें तो मदुरई से सिंगापुर आ रही थी, और ये सभी जो घटनाएं हैं वो 15 अक्टूबर की हैं। आप देखिए कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये माहौल क्रिएट किया गया। अलायंस एयर फ्लाइट की बात करें जो कि अमृतसर से दिल्ली आ रही थी, तब भी ऐसे ही खबर मिलती है कि विमान के भीतर बॉम्ब है। 14 अक्टूबर 2024 की अगर बात करें तो एयर इंडिया फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क आ रही थी, तब भी ऐसी एक खबर सामने आती है। वहीं 14 अक्टूबर के दिन ही इंडिगो फ्लाइट की बात करें मुंबई से मस्कट आ रही थी। आप सोचिए कितने दूर का ये पूरा डिस्टेंस होता है, आप ऐसी खबर फैला दें तो यात्रियों के मन में कितना डर और दहशत बन जाए। इंडिगो फ्लाइट मुंबई से जेद्दा आ रही थी, तब भी ऐसी खबर सामने आती है। विस्तारा फ्लाइट की बात करें लंदन से दिल्ली आ रही थी, सब कुछ 14 अक्टूबर की है। इससे पहले 15 अक्टूबर की खबर हमने आपको बताई, अब 14 अक्टूबर का बता रहे। विस्तारा फ्लाइट की बात करें जो लंदन से दिल्ली आ रही थी, ठीक उसी दिन लगातार अलग अलग फ्लाइट थे, अलग अलग विमान थे, लेकिन मैसेज एक ही जैसा था कि विमान के भीतर बॉम्ब है ताकि डर और दहशत का माहौल बनाया जा सके। देखिए प्रियंका आपको बता रही थी कि कब कब ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो है साजिश है या शरारत है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से विमानों में बम की धमकी के पीछे कोई साजिश है या फिर शरारत, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से झूठी बम की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों के विमान यात्रियों की चिंता भी बढ़ा दी है। और आज भी अहमदाबाद एयरपोर्ट अगर बात करें तो इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जो तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई भी थी, बम रखे जाने की खबर इसी में मिली थी। आप रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें अहमदाबाद एयरपोर्ट की हैं, जहां इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर आने के बाद अफरा तफरी मची है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, साथ ही आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां सभी यात्रियों की जांच कर रही हैं और विमान की भी पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी तैयार है। दरअसल बीती रात करीब 12:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E651 जो मुंबई से दिल्ली जा रही थी, फ्लाइट में बम की धमकी के बाद अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
बीएसएफ के कई ऑफिसर्स अब फील्ड पे आ चुके हैं। बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर खबर सामने आई। इसके अलावा हम जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है, क्या बात है अभी तक ये नहीं बताया जा रही है क्योंकि यात्रियों को ये नहीं बताया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान है वो दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ, और अब यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि आखिर परेशानी क्या थी, क्योंकि कैप्टन ने अपने सूझबूझ से कैप्टन ने काफी होशियारी के साथ लैंड कराया, और जब लैंड कराया गया तो देखा गया था काफी नीचे लैंडिंग कराई गई थी। फिलहाल लोग को डिबोट किया जा रहा है। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण यात्रियों में काफी नाराजगी है। सुरक्षा कारणों से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, और वहीं इस मामले को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार भी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार फ्लाइट्स में बम की धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। धमकी के बाद विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। कल भी सोशल मीडिया के जरिए करीब 22 अलग अलग विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद कई शहरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हालांकि सभी धमकियां फर्जी निकली, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है उससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने बम धमकियों को लेकर एक सुरक्षा बैठक की, जिसमें विमानन से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये भी पता चला है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से विमान में बम होने की अफवाह फैलाई गई थी उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाकर उनसे संबंधित जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली ऐसी धमकियों में से कुछ सोशल मीडिया हैंडल लंदन सहित कुछ अन्य देशों से भी संबंधित हैं। फिलहाल बम की झूठी खबरों को लेकर जांच जारी है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ यात्रियों की भी चिंता बढ़ा दी है। तर्कों से वार पलटवार, संवाद किसका दमदार, राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।